हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है संचायक बैटरी का कार्य प्रणाली क्या होती है और बैटरी को हम क्यों चार्ज करते हैं, क्यों किस प्रकार से उसे डिस्चार्ज होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो से बढ़ने से पहले मैं जैसा कि आप लोग को मैं एक चीज़ और आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आप में आए एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसे ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वीडियो जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके, ठीक है। और वहीं पर बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करें जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, संचायक बैटरी की कार्यप्रणाली क्या होती है, ठीक है। इसको देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि आरंभ में धनात्मक प्लेटों पर लेडेड परऑक्साइड PbO2, मतलब जो धनात्मक प्लेटों पर कौन सा ऑक्साइड पड़ा होता है तो PbO2, जिसे हम बोलते हैं चॉकलेट ब्राउन रंग का होता है, ठीक है। किस पे होता है तो आपकी धनात्मक प्लेटों पर होती है। और वहीं पर ऋणात्मक प्लेटों पर क्या पाई जाती है, स्पंजी सीमा यानी PB पाई जाती है। कौन से धनात्मक प्लेटों पर क्या पाया जाता है, PbO2 पाया जाता है। और वहीं पर ऋणात्मक प्लेटों पर क्या पाया जाता है, आपका PB यानी स्लेटी रंग का होता है। और डिस्चार्जिंग तथा पुनर्चार्जिंग के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण पाए जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो संचायक बैटरी होती है उसका जो कार्य प्रणाली होता है, उसके जो धनात्मक प्लेट होती हैं उसमें कौन सा परऑक्साइड पाया जाता है तो PbO2 पाया जाता है। और वहीं पर बात किया जाए उसका जो रंग होता है वो किस प्रकार से चॉकलेट ब्राउन रंग का होता है। और वहीं पर आपका ऋणात्मक प्लेटों पर क्या पाया जाता है, स्पंजी सीसा यानी PB पाया जाता है और वो किस प्रकार रहता है, आपका स्लेटी रंग का पाया जाता है। और बात किया जाए डिस्चार्जिंग और चार्जिंग किस प्रकार से सूर्य जाता है, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, PbO2 क्या होता है, सबसे पहले हम किसको किसका यूजेस करते हैं, किसका की यूजेस करते हैं, लेडेड ऑक्साइड का प्रयोग कर परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, मतलब PbO2 का प्रयोग। और उसके बाद क्या करता है, 2H2SO4 का प्रयोग कर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का। और वहीं पे ऋणात्मक प्लेट, जब हम इलेक्ट्रिक धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है। और चार्ज होने के बाद किस कौन सा रासायनिक समीकरण बनाता है, PbSO4 और प्लस PbSO4 मतलब इलेक्ट्रोलाइट। और वहीं पे ऋणात्मक प्लेट हमारी क्या होती है, चार्जिंग हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, उसे डिस्चार्ज करना होता है, डिस्चार्ज होता है तो सबसे पहले हम ऋणात्मक प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं तो हमारा टॉपिक अलग अलग हो जाता है, जिससे हमारी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। आगे बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि चार्जिंग के समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को विभाजित हो जाता है, मतलब जो चार्जिंग के समय क्या होता है, उसका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होता है, उसका अलग अलग पार्ट हो जाता है। आगे बात किया जाए, हाइड्रोजन सल्फेट आयनों के साथ मिलकर दोबारा गंध कंबल बना देती है, मतलब जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है वो आयन के साथ क्या बना जाता है, गंध कंबल बना जाता है। और इससे चार्जिंग प्रक्रिया के साथ इलेक्ट्रोलाइट पर विशिष्ट घनत्व तो बढ़ जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जब चार्जिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को विभाजित कर देते हैं और विभाजित करने के बाद जो आपका हाइड्रोजन सल्फेट होता है आयनों के साथ मिलकर क्या करते हैं, गंध कंबल बना देते हैं, जिससे हमारी बैटरी क्या होती है, चार्जिंग होने लगती है। आगे बात किया जाए, जब पुनर्चार्जिंग प्रक्रिया संपूर्ण होती है तो रासायनिक क्रिया बंद हो जाती है, मतलब जो चार्ज बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसकी जो रासायनिक क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। आगे बात किया जाए, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक प्लेटों पर से निकलती रहती है, मतलब जो इसका जो सबसे पहले क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और विभाजित करने के बाद हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, वो आयनों के साथ क्या कर देता है, एक गंध कंबल बना देता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। और जब पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, अलग करने के बाद जो हमारी प्लेटें होती हैं वो क्या करने लगती हैं, वो चार्जिंग ब्यौरा उत्पन्न कर लेते हैं, मतलब जो हमारा प्रोसेस होता है जलाने के लिए जिसका यूजेस किया जाता है, वो हमारी बैटरी जलने लगती है।
ठीक है, आगे बात किया जाए, इस प्रकार गैसों का निकलना इस बात का सूचक है कि बैटरी पूर्णतः चार्ज हो चुकी है, जिससे अधिक चार्जिंग करने से केवल इलेक्ट्रोलाइट के पानी का विघटन ही होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम बैटरी को ज़्यादा चार्ज करते हैं तो जो उसका पानी होता है वो क्या होता है, समाप्त होने लगता, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर हम बैटरी को अगर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाए, मतलब चार्जिंग हो जाए, ज़्यादा भी चार्ज ना किया जाए, तो हमारा बैटरी का जो पानी होता है वो सही रूप से चलता रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को जो चार्जिंग ब्यौरा होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, क्या किया जाए, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन सल्फेट होता है वो क्या करता है, आयनों के साथ मिलकर एक गंधकम्ल बना देता है, और कम्ल बनाने के वजह से हमारा बैटरी क्या होता है, चार्जिंग होने लगता है। जब हम चार्जिंग को बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है, चार्ज होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद हमारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, साथ में ऐसे ही प्रकार से ऐसा प्रोसेस होता रहता है जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है बैटरी रेटिंग क्या होती है, इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोग को बैटरी रेटिंग क्या होती है इसके डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, बैटरी रेटिंग, जब कोई बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज किया जाता है तो वह किसी कितनी कितनी देर सप्लाई प्रदान कर रहा है, बैटरी रेटिंग कहलाता है। मतलब बैटरी रेटिंग क्या होता है, तो जब हम किसी बैटरी छोटी 5 एम्पियर का ले लिया जाए, 10 एम्पियर का, 100 एम्पियर का, 200, 400, जितना भी हो, मतलब जब बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद उसके जो टाइमिंग अनुसार बैटरी हमारी कितनी देर तक काम कर रही है, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, आपका बैटरी रेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया कि आपका जो बैटरी रेटिंग होती है वो फिक्स होती है, कितने कितने हॉर्स की होती है, तो एक 20 घंटे की रेटिंग होती है, नेक्स्ट 20 मिनट की रेटिंग होती है, नेक्स्ट आता है आपका शीतल रेटिंग होती है। ठीक है, ये तीन प्रकार की रेटिंग पाई जाती है, किसमें, बैटरी में। नेक्स्ट बात किया जाए आपका बैटरी को दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता, मतलब जब हम बैटरी को कितनी बार दोबारा चार्ज करते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, तो इनको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो चार्जिंग की दर उच्चतर होगी, मतलब जो बैटरी हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो जो चार्जिंग दर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब हाई होता है, और जैसे जैसे यह चार्ज होती है जाएगी वह दर कम होती जाएगी, मतलब जिसका प्रोसेस होता है वो कम होता चला जाएगा। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि बैटरी को बाहर से दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु कुछ समय ऐसा आता है कि जब हम गाड़ी को पर्याप्त समय रूप से चलती नहीं है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे हमें बाहर से चार्ज करने की आवश्यकताएं पड़ती है। इसका किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि हम जब बैटरी को क्या करते हैं, दोबारा चार्ज क्यों करते हैं, कहने का मतलब है कि जब हमारा प्रोसेस क्या होता है, मतलब बैटरी को जब अगर हम यूजेस कर रहे हैं, बार बार यूजेस कर रहे हैं, तो जो बैटरी का अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका जो चार्जिंग दर होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, और जब बैटरी जो क्या होती है चार्ज होने लगती है, तो उसका जो दर होता है क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है, इससे हमारी बैटरी क्या होती है, हमेशा चार्जिंग बनी रहती है। और बाइक दबे क्या होता है कि बैटरी को हम रख दिया जाए, उसका यूजेस ना किया जाए, तो धीरे धीरे उसका जो चार्जिंग होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने की वजह से हम बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं, यही हमारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पूर्ण रूप से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चार्ज की दशा की जांच किस प्रकार से करते हैं, इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, मतलब चार्ज की दशा को किस प्रकार से जांच किया जाता है, तो देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, समानता बैटरी के चार्ज की माप की दशा में जाँच विशिष्ट घनत्व माप कर की जाती है, मतलब जो चार्ज बैटरी को किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, तो उसकी जो विशिष्ट घनत्व होती है उसको माप कर हम क्या करते हैं, चार्जिंग ब्यौरा ज्ञात कर लेते हैं, उसका जो घनत्व होता है उसकी जांच कर ले जाते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, घनत्व पाठ्यांकों को निम्नलिखित शोधित किया गया, मतलब जिसका पाठ्यांक होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखेंगे अगर हमारी पूर्ण रूप से बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका जो समानता डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है, 1.290 तक होता है डिग्री सेल्सियस तक, और वहीं पे आपका समानता 18 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 1.23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट वहीं पर आपका अर्ध चार्ज, मतलब आधा बैटरी चार्ज है, तो उसका 32 डिग्री सेल्सियस में कितना दिखाएगा आपका, तो 1.200 दिखाएगा, और वहीं पे 18 डिग्री सेल्सियस में कितना दिखाएगा, 1.14 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। नेक्स्ट अगर पूर्णतः चार्ज हुई है तो कितना दिखाएगा आपका, 1.110, और वहीं पे 1.050।
मतलब यही इसका प्रोसेस होता है जब हम बैटरी को चेक करते हैं। 32 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस में यही दोनों का फर्क होता है, और इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। ये टॉपिक आपको याद करना होगा। कहने का मतलब है कि जब हम किसी बैटरी को चेक करते हैं, किनके माध्यम से हमारी बैटरी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है या फिर पूर्ण रूप से चार्ज है या फिर आधी चार्ज है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।